गैस, पिछला वीडियो जो है बहुत बढ़िया था। हमने काफ़ी चीज़ें देखी उसमें और बहुत ही अच्छी तरह हमने देखा कि गिट क्यों है, गिट क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे गिट को कैसे इंस्टॉल करना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए नई टैब खोलूँगा ब्राउज़र में और बस इतना लिख दो, गिट इंस्टॉल। अगर गिट इंस्टॉल लिख दोगे तो gitscm.com नाम की एक वेबसाइट खुलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं भी विंडोज़ में हूँ तो विंडोज़ के लिए बता रहा हूँ। मेरे लिनक्स और मैकओएस वाले दोस्तों के लिए भी बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करना है। विंडोज़ पर क्लिक करना, देखो यहाँ पर लिख कर आ गया है डाउनलोड फॉर विंडोज़। क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड इज स्टार्टिंग लिख कर आ रहा है। मैं वेट करूंगा इसके डाउनलोड होने तक का। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट है तो जल्दी हो गया, आपका टाइम ले सकता है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद इसको देखो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। मैंने यस पे क्लिक किया और बिल्कुल ही जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है ना, बस वैसे ही कर दो इंस्टॉल। बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बड़े आराम से आप लोग इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ लेना पूरा आराम से टाइम लेके अपना। और मैंने पढ़ लिया इसको, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले इंस्टॉल किया हुआ था तो मुझे वार्निंग आ रही है कि क्या आप इस फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, फोल्डर ऑलरेडी है। तो मैं यस कर दूंगा। बिल्कुल कुछ छेड़खानी मत करना नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए। और बिल्कुल नेक्स्ट 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 नेक्स, काफ़ी चीज़ें आपको बताया गया है एकदम बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाना है, 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 ठीक है। और करते 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 यहाँ तक आप आ जाएंगे जिसमें आपको ये इंस्टॉल करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से, आपके पेशेंस के हिसाब से और काफ़ी चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग मैक ओएस और लिनक्स में, तब क्या करें? तब आप लोग यहाँ पर गिट SCM वाली जो वेबसाइट है उसमें मैक ओएस और लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लें। एकदम सिंपल है। अगर आप उबंटू वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो गिट ऑलरेडी डल के आता है उसमें। और मैक ओएस में भी आजकल अगर आपने डेवलपर टूल्स डाल रखे हैं तो आता है, वरना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। जैसे मैंने अभी विंडोज़ के लिए किया है, आप मैक ओएस और लिनक्स के लिए भी कर लेना, ठीक है। ये डाउनलोड जैसे ही होगा हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं ज़रा एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि हम जो गिट है अपना उसको अपने कमांड लाइन से फायर कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है और ये जैसे ही फिनिश होगा तो मैं वापस आऊँगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप गिट को इसको इंस्टॉल करते हैं तब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि सेटअप जो है फिनिश हो चुका है तो क्या आप रिलीज़ नोट्स देखना चाहते हैं। तो मैं भी रिलीज़ नोट्स नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं गिट बैश को जो है लॉन्च करना चाहता हूँ। अब ये गिट बैश क्या है? गिट बैश एक टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जैसे आपका पावर शेल होता है, CMD होता है, अगर आप लिनक्स वगैरह में उबंटू में तो वहाँ पर एक टर्मिनल होता है टर्मिनल के नाम से। मैक ओएस में भी टर्मिनल के नाम से टर्मिनल होता है। यहाँ पर होता है आपका पावर शेल। तो यहाँ पर अगर आप विंडोज़ पावर शेल खोलें तो ये आपका टर्मिनल होता है। और इस तरह का टर्मिनल जो है ये विंडोज़ बेस्ड टर्मिनल होता है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक गिट बैश नाम का टर्मिनल जो कि आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ मिलता है उसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आप लोग गिट बैश लिख दें तो गिट बैश अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आपका इस तरह से भी आप लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लॉन्च गिट बैश करके फिनिश कर दूंगा और जैसे ही मैं फिनिश करूंगा आप लोग यहाँ पर देखो कि ये मेरा जो गिट बैश है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। ये टर्मिनल की तरह चालू हो गया है। और आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस दबा के जूम कर सकते हैं। जो आपके कीबोर्ड में प्लस की होती है उसको दबाएं, जो कि आपके एंटर के ऊपर होती है, कंट्रोल दबाएं तो ये ऐसे जूम हो जाएगा। मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह दिखाई दे। अब यहाँ पर मैं लिनक्स के कमांड्स चला सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी डिटेल में जाके आपको परेशान नहीं करूँगा कि लिनक्स क्या होता है और लिनक्स के कमांड्स क्या होते हैं, LS क्या होता है, वो सब चीज़ों के लिए वीडियो बना रखा है वैसे मैंने। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पर बस हम ये चेक करेंगे कि गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। अब ये गिट बैश खुल रहा है तो गिट तो इंस्टॉल हो ही गया होगा। तो आप लोग क्या करें, सिर्फ गिट लिख दें यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पर गिट लिखेंगे तो यहाँ पर देखो, मैं वापस से लिखता हूँ, गिट मैंने लिखा तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ गई। तो ये पूछ के यूजेज बता रहा है, या कह रहा है देर आर कॉमन गिट कमांड्स यूज इन वेरियस सिचुएशंस। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई क्लोन आप इस्तेमाल करो, इनिट इस्तेमाल करो, ऐड करो, MV, सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करना। अभी बस ये आना चाहिए आपका, कोई एरर नहीं आना चाहिए। क्योंकि पहले अगर आप बिना इंस्टॉल करे गिट कमांड डालोगे तब वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि गिट बैश क्यों यूज़ किया।
गिट बैश कुछ नहीं है, गिट बैश बस एक टर्मिनल है। आप पावर शेल भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप पावर शेल खोल के वहाँ पर गिट फायर करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो गिट है वो यहीं से इस्तेमाल करना है, अगर आप यहाँ पर गिट लिखोगे तो भी वही चीज़ आ गई। बस ये एक तरह का टर्मिनल है जो कि लिनक्स से थोड़ा थोड़ा मैच करता है, इसीलिए इसको जो लोग यूज़ करते हैं ताकि अगर वो लिनक्स और मैक ओएस में कल जाएँ तो वहाँ पर भी उनको आराम से काम करने का मौका मिले। तो जो विंडोज़ का टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पाथ वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा लिनक्स की तरह चीज़ों को बनाने के लिए इन्होंने गिट बैश टर्मिनल दिया है। आप पावर शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई हमारी इंस्टॉलेशन, हमने इंस्टॉलेशन फिनिश किया, हमें एक टर्मिनल फ्री में मिल गया वो हमने ले लिया, और हमने यहाँ पर उसी के साथ साथ गिट को चला के भी देख लिया, गिट भी हमारा चल रहा था, सब कुछ सही सही हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहीं पर एक्सटेंड कर लूँगा इसको, जो मैंने यहाँ पर अभी बनाया है ये, इसी को एक्सटेंड कर लेता हूँ और रेड पेन ले लेता हूँ, अभी रेड पेन लेके इस तरह से एक्सटेंड कर लेता हूँ इसको यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ला के जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और आपको बताऊँगा कुछ चीज़ों के बारे में जो कि काफ़ी काम आने वाली है आपके। तो सबसे पहले तो हमने गिट को इंस्टॉल किया, तो मैं यहाँ पर गिट इंस्टॉलेशन लिख लेता हूँ। हमने यहाँ पर जब गिट इंस्टॉल किया तो हमें दो चीज़ें मिली, एक तो क्या मिला हमको, एक तो हमें गिट कमांड लाइन इंटरफेस मिला, हमें गिट कमांड लाइन टूल मिला, कमांड लाइन टूल, और उसी के साथ साथ हमको क्या मिला, एक टर्मिनल मिला गिट बैश, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक सिंपल सा टर्मिनल ही है और एक टर्मिनल प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम भी लिख देता हूँ, जो कि क्या करता है लिनक्स और मैक ओएस जैसा टर्मिनल विंडोज़ में प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप लिनक्स में हैं तो आपको सिर्फ गिट मिलेगा, गिट कमांड लाइन टूल मिलेगा, आप उसको इस्तेमाल करना। गिट को इंस्टॉल करने के बाद ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है गिट को कमांड लाइन से इस्तेमाल करें। अब कभी भी हमें गिट इस्तेमाल करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा मान लो एक कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में मान लो सी है, लोकल डिस्क डी है, लोकल डिस्क ई है, सी के अंदर आपके और डायरेक्टरीज होंगी, प्रोग्राम फाइल्स होंगी, फिर आपके पास यूज़र्स होगा, फिर आपके पास विंडोज़ होगी, और उसके बाद यूज़र्स के अंदर भी आपके पास कुछ यूज़र्स होंगे जैसे हैरी हो गया, रोहन हो गया, और यहाँ पर उसी के साथ साथ आपके पास और चीज़ें भी और भी डायरेक्टरीज होंगी। फिर इसके अंदर मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर सीडी कर सकते हैं। सीडी कमांड होता है उसका, उसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी कमांड। सीडी कमांड चलाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर आ सकते हैं। तो जब भी आप टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं तो टर्मिनल किसी डायरेक्टरी में चलता है, या तो आप सी के अंदर हैं, या आप यूज़र्स के अंदर हैं, या प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हैं, या विंडोज़ के अंदर हैं। यहाँ पर मैं किसके अंदर हूँ, मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर आपको PWD लिखो, जो कि लिनक्स का कमांड है, PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये बता रहा है कि मैं सी यूज़र्स ये फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ। अगर मैं CD करके मान लो चेंज करता हूँ डेस्कटॉप, तो इस फोल्डर के अंदर अगर कोई डेस्कटॉप फोल्डर होगा तो उसके अंदर ये मुझे CD कर देगा। तो मैं अगर यहाँ पर डेस्कटॉप लिखता हूँ, चूँकि फोल्डर है मेरा, मेरी होम डायरेक्टरी में डेस्कटॉप फोल्डर है, तो इसने क्या किया, चेंज करके मुझे यहाँ पर होम डेस्कटॉप पर ले आया। ठीक है, और मैं CD करके स्लैश सी भी कर सकता हूँ, स्लैश सी करूँगा तो क्या होगा, मैं सी के अंदर आ जाऊँगा। तो जिस भी फोल्डर के अंदर आप आते हैं, आप CD से फोल्डर का फुल पाथ दे दें, जैसे मैंने स्लैश सी दे दिया, स्लैश सी क्यों दिया, सी क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो गिट बैश है वो लिनक्स वाले पाथ लेता है, कुछ इस तरह के पाथ लेता है। अब ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत सोचो इसके बारे में, बस ऐसा समझ लो अभी के लिए आप, कि अगर आपके पास एक लोकल डिस्क सी है या डी है या ई है, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, किसी भी एक फोल्डर के अंदर आप आ सकते हो CD कमांड का इस्तेमाल करके। CD कमांड का इस्तेमाल करके आप आ गए किसी भी फोल्डर के अंदर, फिर क्या करोगे आप, उसके बाद आप इसके अंदर गिट के कमांड चला सकते हो, और वो जो सारे गिट के कमांड हैं वो आपके उस डायरेक्टरी के लिए चलेंगे। जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो मेरे इस प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी के लिए चलेंगे, मैं इस डायरेक्टरी के कितने भी स्नैपशॉट्स ले सकता हूँ, इस डायरेक्टरी में कमिट कर सकता हूँ, इस डायरेक्टरी में रोल बैक कर सकता हूँ, इसी डायरेक्टरी के साथ मैं काम करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गई ये चीज़, और मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगा जिसकी मदद से आप किसी भी फोल्डर के अंदर टर्मिनल खोल लेंगे, तो आपको बार बार पूरा पाथ लेके CD करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसी फोल्डर में विंडोज़ से आके और राइट क्लिक करके और आराम से खोल सकते हैं उसमें पावर शेल या फिर गिट बैश। तो ये चीज़ में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, मैं जब करके बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लो कि ये हम ऐसे कर सकते हैं, कमांड लाइन टूल ऐसे इस्तेमाल होता है, और कमांड लाइन टूल इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपका टर्मिनल होता है और इस टर्मिनल में आपको गिट करके कमांड चलाने पड़ते हैं, गिट स्टेटस, गिट इनिट, गिट कमिट, गिट ऐड, बहुत सारे कमांड्स हैं गिट के, सब देखेंगे वो सारे आप चलाते हो। ठीक है, ये तो एक तरीका होता है। एक दूसरा तरीका जो कि लोगों को आसान लगता है वो होता है GUI। बहुत सारे GUIs आजकल उपलब्ध है मार्केट में, जो कि क्या करते हैं, दो तीन क्लिक में ही आपको काम करने के लिए बड़े आराम से सुविधा देते हैं, जैसे कि आप ऐड कर सकते हो, पुश कर सकते हो,
पुश का मतलब कि सर्वर में भेज सकते हो फाइल्स को, पुल कर सकते हो, क्लिक करोगे सारी फाइल्स पुल हो जाएंगी, पुश करोगे तो सारी फाइल्स पुश हो जाएंगी। इस तरह से आपको पूरा यूज़र मतलब यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है, ठीक है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देने के बाद आपके लिए चीज़ों को करना आसान बनाता है। अब एक बात बताना चाहूँगा, ये तो है मेरा कमांड लाइन, ठीक है, जो कि मैं कमांड लाइन में टूल्स लिखूँगा, और ये है मेरा जी यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप क्लिक व्लिक करके गिट को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने यहाँ से मिलेंगे। और अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो आपको कमांड लाइन जो है वो ये बिहाइंड द सीन्स इस्तेमाल करेगा, लेकिन कमांड लाइन अपने आप को इस्तेमाल करेगा, कमांड लाइन जीवाई को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अगर आप कमांड लाइन, अगर आप एक अच्छे कोडर बनना चाहते हो, अच्छी समझ रखना चाहते हो, तो गिट के कमांड लाइन टूल्स आपको पता होने चाहिए कैसे चलाना है। GUI तो ऐसा है कि किसी ने टॉर्टोइज GUI के नाम से बना दिया, किसी ने मान लो हैरी गिट के नाम से बना दिया, टॉर्टोइज गिट के नाम से बना दिया, किसी ने कोई और कैनन गिट के नाम से बना दिया, किसी ने सोनिया गिट के नाम से बना दिया। इस तरह के बहुत सारे GUI बनते रहते हैं, मार्केट में उपलब्ध होते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको यूज़ मत करना, बाद में यूज़ करना, बट अभी मैं कहूँगा कि सिर्फ कमांड लाइन, सिर्फ कमांड लाइन में हमें मास्टरी हासिल करना है। एक बार हमने कमांड लाइन में मास्टरी हासिल कर ली, उसके बाद आप किसी भी तरह का GUI जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही पॉपुलर IDE है विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी आपको फीचर्स प्रदान करती है ये चीज़ करने के, तो आप जो है उसकी भी GUI का एक उसमें सेक्शन होता है गिट का, वो भी इस्तेमाल कर लेना। लेकिन पहले कमांड लाइन टूल्स में हमें मास्टरी हासिल करनी है। विद दैट सेट, अब हम जाएंगे वापस से अपने यहां पर गिट बैश के अंदर, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम गिट को स्टेटस के साथ चलाएंगे, गिट स्टेटस। तो मैं काम करूंगा, सीडी कर लूंगा अपनी एक डायरेक्टरी में, और मैं आपको दिखाऊंगा उस डायरेक्टरी में मैं कैसे सीडी करूंगा। तो मैं एक ब्लैंक डायरेक्टरी में आ जाता हूं अपने कंप्यूटर की, और तो मैंने यहाँ पर गिट ट्यूटोरियल नाम से एक डायरेक्टरी बना रखी है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा टर्मिनल खुल जाए। तो मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाऊंगा और यहाँ पर गिट बैश हियर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये वाले को बंद कर देता हूँ अभी अपने गिट को, और मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, गिट GUI हियर और गिट बैश हियर। अभी GUI को इस्तेमाल मत करना, ठीक है, बैश को इस्तेमाल करना, बैश का मतलब टर्मिनल। तो गिट बैश आपका यहाँ पर खुल जाएगा। अब ये था वो शॉर्टकट जिसकी बात मैं कर रहा था। अब क्या है कि मैंने ये वाली जो डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ, वो डायरेक्टरी में मैंने खोल लिया, कुछ भी मैं रन करूँगा कमांड वो इस डायरेक्टरी के हिसाब से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपना सेटअप कर लें, यानी कि अपना यूज़र सेटअप कर लें, यानी कि गिट को बता दें कि आप हैं, यानी कि आप अपना यूज़र नेम और ईमेल, ये दोनों चीज़ें गिट में कॉन्फ़िगर कर लें। जब पहली बार हम गिट इस्तेमाल करते हैं, तब हम चाहेंगे कि हम गिट को बताएं कि हम कौन हैं, क्योंकि जो हमारे कमिट्स होते हैं उसके अंदर हमारी जानकारी भी होती है कि कमिट किसने किया। कमिट का मतलब होता है स्नैपशॉट लेना। अगर आपने कोई चेंज किया है कोड बेस में, तो आपका नाम और आपका ईमेल उसमें आएगा, उसमें बेक हो जाएगा, और आप जो है अपने ईमेल को देंगे रिपोजिटरी के अंदर, तो कोई आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा। आई होप दैट मेक सेंस। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं किस तरह ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो यार सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे, मैं सबसे पहले जूम कर लेता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सबसे पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मेरी जो स्क्रीन है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। और कंट्रोल प्लस दबा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट कॉन्फिग, और मैं लिखूँगा माइनस माइनस ग्लोबल, और उसके बाद लिखूँगा यूज़र डॉट नेम, और उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर हैरी, ठीक है। तो मेरा नाम जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी अप एरो की दबाऊंगा तो वापस से जो मैंने पहले जो कमांड लिखा था वो आ जाएगा। उस कमांड में मैं चेंज करूँगा यूज़र डॉट ईमेल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपनी अप एरो की दबाई, यानी कि जो एरो की होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली जिससे गेम खेलते हैं वो मैंने दबाई, और मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल दूंगा harry@codewithharry.com, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो मेरा जो नाम था और जो ईमेल था वो मैंने बता दिया गिट को कि मेरा नाम और ईमेल ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से गिट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट, तो आप लोग देखो इसने मुझे 10 चीज़ें यहाँ पर तमाम बता दी हैं। कंट्रोल माइनस करके जूम आउट करूँगा ताकि आप लोग को दिखे यहाँ पर जो जो चीज़ें प्रिंट हुई हैं, और देखो यहाँ पर क्या क्या प्रिंट हुआ, पता नहीं क्या क्या प्रिंट हुआ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि मेरा नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अगर आप यहाँ देखें यूज़र डॉट नेम हैरी, यूज़र डॉट ई मेल हैरी एट कोड विद हैरी डॉट कॉम, और यहाँ पर तीन बार ये आउटपुट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये तीन लेवल में इसको सेव करता है। मैं उस बारे में भी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आपका जो माइनस माइनस ग्लोबल फ्लैग है वो क्या करता है, ये सब हम बाद में देखेंगे, मैं बाद में आपको ये चीज़ डिटेल में बता दूंगा। बट अभी मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करें, और इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा और डायरेक्टली आपको गिट के जो बेसिक कमांड है वो दिखाऊँगा। अगर आप लिनक्स वगैरह में हैं तो आप अपना एडिटर भी सेट कर सकते हैं,
और ये विंडोज़ वालों के लिए बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट लिनक्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लिखते हैं गिन कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल और कोर डॉट एडिटर, और उसके बाद आप कोई भी एडिटर चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ईमैक्स चूज़ कर लूँ तो मेरा ईमैक्स एडिटर आ जाएगा, अगर मैं विम चूज़ कर लूँ तो मेरा विम एडिटर आ जाएगा। ये सारे लिनक्स के एडिटर्स हैं, और आपको लिनक्स के एडिटर्स के बारे में अगर नहीं मालूम आपका, जो अगर आपने लिनक्स यूज़ नहीं किया तो मैं बता दूँ कि आप विम करके कोई भी फाइल को खोल सकते हैं टर्मिनल में, और टच कमांड होता है एक लिनक्स में। तो वो सब चीज़ें मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा आपको कंफ्यूज मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। अब मान लो आपको देखना है कि आपका नाम क्या है, तो आप कुछ ऐसे देख सकते हो गेट कॉन्फिग और यूज़र डॉट नेम, तो मेरा ये हैरी बता रहा है। फिर गेट कॉन्फिग यूज़र डॉट ईमेल, ये भी मुझे बता रहा है हैरी एट कोड विद हैरी डॉट कॉम, सब कुछ ये मुझे बता रहा है। ठीक है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ इन सारे नाम ईमेल ये सब चीज़ों को। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया, इंस्टॉल हो गया गिट आपका सही से। हम आगे देखेंगे गिट में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा आप लोगों को गिट का चैम्पियन बनाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ गिट यूज़ करने तक का सिखा दूंगा कि भाई आप इस्तेमाल करना चालू कर दो आज ही से जल्दी इस वीडियो में, इस कोर्स में कम से कम कंटेंट देख के आप गिट कम से कम चालू करना इस्तेमाल करो, मैं ये चाहूँगा। और इसके लिए आपको कुछ आगे के और वीडियोस देखने पड़ेंगे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये कोर्स पूरा देखें, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी गिट यूज़ करना चालू कर दो। इसलिए मैं आपको सिर्फ उतना बताऊँगा जितना आपको अपने प्रोजेक्ट्स में गिट यूज़ करने तक आना चाहिए। फिर उसके बाद मैं डिटेल्स में जाऊँगा कि कैसे कैसे आप गिटहब इस्तेमाल कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, किस तरह मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं, उन सब चीज़ों में फिर मैं बाद में जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करने का बेसिक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडवांस चीज़ें। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर बात की है वो आपको समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी, हमने शुरू से देखा गिट क्यों है, फिर गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, फिर हिस्ट्री देखी, गिट के फीचर्स देखे, गिट कैसे क्रिएट हुआ था, बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी लाइन स्टोवर्ल्ड्स की। अगर आप लोगों ने नहीं एक्सेस किया है गिट एंड गिटहब का जो मेरा कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से, काइंडली उसको एक्सेस कर लें। हमने उसके बाद गिट का इंस्टॉलेशन देखा, बड़े अच्छी तरह से हमने देखा कि जीयूआई हम यूज़ नहीं करेंगे अभी के लिए, हम सिर्फ कमांड लाइन यूज़ करेंगे, और बाद में अगर चाहें तो फिर जीयूआई भी यूज़ करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे कमांड लाइन इस्तेमाल करना। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है और आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या आने वाले वीडियोस के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, और थोड़ा सा इंटरेक्ट अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।